हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट मस्ती पर। दोस्तों आज बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आई है उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड से, अर्थात UPRVNL से। दोस्तों UPRVNL में आज ITI के लिए बहुत ही बड़ी वैकेंसी आई है, जिसमें फिटर और इलेक्ट्रीशियन के लिए पोस्ट आया है। तो फिटर के लिए आपका टोटल पोस्ट है 78 और इलेक्ट्रीशियन के लिए आपका 139 पोस्ट है। तो देखिए आप दोस्तों, आइए नोटिस में देखते हैं कि इसमें क्या है। दोस्तों इसमें वैकेंसी तो और भी ज़्यादा है, लेकिन हम इसमें खास करके बात करेंगे ITI ट्रेड के लिए। इसमें आपको BTECH के लिए भी है, और यहाँ पर आपका लेखाधिकारी है, स्टाफ नर्स है, फार्मासिस्ट है, लेकिन हम बात करेंगे यहाँ पर ITI से रिलेटेड जो भी है वैकेंसी और इसका सिलेबस और इसकी ऑनलाइन डेट और लास्ट डेट क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए टेक्नीशियन ग्रेड सेकेंड, यहाँ पर देखिए फीटर के लिए दोस्तों पोस्ट है टोटल 78 पोस्ट है। देखिए यहाँ पर टोटल 78 है, जिसमें 33 जनरल के लिए है, 21 OBC के लिए है, 16 आपका SC के लिए है, और एक ST के लिए, और 7 आपका मिलेगा EWS के लिए। इसी तरह इलेक्ट्रीशियन का भी है 139, और जनरल के लिए 58, और 37 OBC के लिए, 29 आपका मिलेगा SC के लिए, और 2 मिलेगा ST के लिए, और 13 पोस्ट मिलेगा आपका EWS के लिए। तो दोस्तों ये बहुत ही बड़ी वैकेंसी है, तो आप लोग जल्दी से जल्दी अपना तैयारी में लग जाएँ, और इसका आपका पेपर भी हो सकता है आपको अप्रैल लास्ट या मई में देखने को मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं दोस्तों इसका सिलेबस क्या होता है और इसका इसकी एलिजिबिलिटी क्या है इसमें। तो देखिए दोस्तों, टेक्नीशियन ग्रेड सेकेंड का जो पे ग्रेड है आपका यहाँ पर मिलेगा 27,200 से 86,100। तो यहाँ पर आपका पे ग्रेड भी बहुत अच्छा होता है। फिर अगला देखते हैं दोस्तों, इसमें अगला क्राइटेरिया क्या है। तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी दोस्तों होती है, इसमें आपको चाहिए फीटर के लिए आपको ITI होना चाहिए फीटर ट्रेड से, और इसमें CCC बहुत ही अनिवार्य है। तो ये बहुत बड़ी न्यूज है दोस्तों, इसमें फीटर ट्रेड के साथ साथ आपको CCC होना ज़रूरी है। और इलेक्ट्रीशियन के लिए भी आपको चाहिए इलेक्ट्रीशियन ITI ट्रेड, और इसमें भी CCC आपका अनिवार्य है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको दिखाते हैं कि इसका क्वालिफिकेशन क्या है। तो यहाँ पर दोस्तों नोटिस थोड़ी बड़ी है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, टेक्निकल ग्रेड सेकेंड के लिए टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन के लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की हाई स्कूल एवं गणित विषय के साथ या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण तथा इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में अखिल भारतीय व्यावसायिक प्रमाण पत्र, और साथ में NILET से आपको CCC का प्रमाण पत्र अनिवार्य है। और फीटर में भी देख लीजिए, माध्यमिक शिक्षा परिषद हाई स्कूल को विज्ञान विज्ञान और गणित विषय के साथ समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण तथा फीटर ट्रेड में अखिल भारतीय ट्रेड राज्य व्यवसायिक प्रमाण पत्र। तो यहाँ पर फीटर ट्रेड के साथ साथ आपको CCC भी अनिवार्य है। तो और इसका आपका दोस्तों यहाँ पर आपको सिलेबस भी देख सकते हैं, यहाँ इसका सिलेबस होता है आपका। देखिए यहाँ पर सिलेबस है आपका, ये आपका टोटल क्वेश्चन रहेंगे टेक्निकल के, टोटल क्वेश्चन रहेंगे आपको मिलेंगे इसमें 150 क्वेश्चन मिलेंगे। देखिए यहाँ पर 150 टोटल मिलेंगे, 200 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन मिलेगा आपको टेक्निकल का। देखिए यहाँ 150 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप टेक्निकल का, जो ITI से रिलेटेड होगा, और सेकेंड पार्ट जो है इसमें नॉन टेक का, जिसमें 50 क्वेश्चन आपको मिलेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप, जिसमें क्या हो जाएगा जनरल हिंदी रहेगा, जनरल नॉलेज रहेगा एंड रीजनिंग रहेगा। और इसमें आपका दोस्तों माइनस मार्क आपको मिलेगा 1/4, मतलब 0.25 क्या मिलेगा आपको माइनस मार्क मिलने वाला है। और इसका देखते हैं दोस्तों कब इसका ऑनलाइन स्टार्ट हो रहा है। तो आपका दोस्तों यहां पर ऑनलाइन स्टार्ट होने की तिथि है 7/3/2020, तो 7 मार्च को ये ऑनलाइन स्टार्ट हो रहा है, और आवेदन की अंतिम तिथि है 6/4/2020, मतलब कि आपको 7 मार्च को ये स्टार्ट हो रहा है और 6 अप्रैल को लास्ट डेट है। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अपने दोस्तों से सब्सक्राइब भी कराएं। और इसी तरह आप ऐसे वीडियो देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल कॉन्सेप्ट मस्ती को सब्सक्राइब करें, और जो भी आपको कोई भी इंक्वायरी करनी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।